हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिल्ड्रन मेमोरियल। डीएवी पब्लिक स्कूल की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक करते हैं। बहुत ही शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 जून को, मतलब 8 जून को ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी पोस्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए पंजाबी, साइंस, मैथमेटिक्स विद इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस। उसके साथ साथ पीआरटी एंड लाइब्रेरियन का पोस्ट भी है, ड्राइवर्स विद हेवी लाइसेंस, कंडक्टर्स, आयर्स एंड गेटकीपर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपको कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कुछ सबमिट नहीं करना है, एप्लीकेशन फीस ना तो देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि आपका इंटरव्यू होगा या फिर रिटन एग्जाम होगा। तो अगर रिटन एग्जाम का जिक्र नहीं किया गया है तो मेरे हिसाब से तो इंटरव्यू ही होना चाहिए, एंड ज्यादा से ज्यादा एक डेमो क्लास। ठीक है, जो हर कहीं स्कूल में होता है रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के लिए जो करना होगा, आपको जाके स्कूल ऑफिस में सबमिट करना होगा। आपका जो रिज्यूमे है, आपका जो सीवी है, वो आपको सबमिट करना होगा 15 जून से पहले। ठीक है, सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आपका जो रिज्यूमे है, आपका जो सीवी है, वो बहुत जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, वहां पे आपको सारा सब कुछ इंक्लूड करना है, बहुत सिंपल होना चाहिए एंड उसके साथ साथ अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि आपके कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है आपके अबाउट योर सेल्फ, तो वो कहीं से ना छूट जाए। ठीक है, आपने कहीं से एक्सपीरियंस किया है, उसका एक्सपीरियंस डिटेल्स आपको डालना है, आपका एकेडमिक डिटेल्स वहां पे रहना होगा, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मेल आईडी, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको देना है, एंड आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपने क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज किया है, कभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आपने कभी भी पार्टिसिपेट किया है कि नहीं। अगर किया है तो उसको जरूर मेंशन करना है आपको। ठीक है, आपने कोई भी सेमिनार अटेंड किया है, आपने कहीं से और कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो वो भी आपको ये जो है रिज्यूमे में इंक्लूड करना है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, पेज नहीं बढ़ाना है, बट बहुत ही सिंपल में बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए आपका रिज्यूमे, बिकॉज इसी रिज्यूमे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा फर्दर प्रोसीजियर के लिए। बिकॉज यहाँ पे कोई भी, आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपका रिज्यूमे आपको जो है बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक चीज बोला गया है कि कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे शायद इंटरव्यू ही होने वाला है। तो इंटरव्यू के लिए कोई भी टीएडीए आपको नहीं मिलेगा। शॉर्ट नोटिस है, बहुत ही शॉर्ट नोटिस है। देखिए, डीएवी पब्लिक स्कूल जो है वो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट तो नहीं है, बट बहुत ही अच्छी स्कूल है डीएवी स्कूल जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये जो पोस्ट है ये परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल है, कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो मेरे हिसाब से पहले आपका टेम्पररी पोस्ट में ही रिक्रूटमेंट होगा, बिकॉज अगर परमानेंट होता तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह का जिक्र किया जाता। तो कोई भी हो, परमानेंट हो या फिर टेम्पररी हो, आपको बिल्कुल यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। ये अगर परमानेंट होता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर टेम्पररी होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप बिना एक्सपीरियंस, मतलब एज अ फ्रेशर भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है ज्वाइन करने के लिए, ना तो बीएड यहाँ पे डिमांड किया गया है, ना सीटेट पास यहाँ पे डिमांड किया गया है। तो जरूर यहाँ पे अगर उसको, मतलब किसी कैंडिडेट के पास अगर होगा तो उनको जरूर मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा मेरे हिसाब से, बट आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिए, बिकॉज डीएवी पब्लिक स्कूल बहुत अच्छी स्कूल है। आपका जो भी आफ्टर ज्वाइनिंग जो भी एक्सपीरियंस आएगा, वो आगे जाके आपको बहुत अपॉर्चुनिटी दिलाएगी, आपके जो फ्यूचर करियर है उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं कि बहुत सिंपल है। वेबसाइट में जाके देखिए, सीएम डीएवी पब्लिक स्कूल, चिल्ड्रन मेमोरियल डीएवी पब्लिक स्कूल, तो सिरसा डिस्ट्रिक्ट से आया है, हरियाणा के। तो हरियाणा के आसपास जो मतलब लोकेशन है, वहां से भी आप जाके हैंड टू हैंड देना है इसीलिए। तो अगर पॉसिबल होता है तो जरूर वहां पे सबमिट कीजिए। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ साथ नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा आपको। स्क्रॉल डाउन करते ही नोटिस बोर्ड दिख जाएगा, एंड नोटिस बोर्ड में सबसे पहला जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, टीचिंग रिक्वायरमेंट्स करके डाउनलोड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
ठीक है, तो क्लिक करते ही आपका जो है यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिए। जिनके पास अभी भी कोई जॉब नहीं है एंड वो स्कूल में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले। आपके मन में कोई भी डाउट है मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप डेली चेक करें, क्योंकि वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।